वन नेशन वन टैक्स यानी कि जीएसटी का, जिसकी कई दरें जो है वो तय होनी थी और अब वो दरें जो है तय हो चुकी हैं। 1 जुलाई से वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लागू होना है, लेकिन उससे पहले कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई प्रोडक्ट्स के रेट जो है वो तय हो चुके हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर 3% का रेट जो है वो तय किया गया है। यानी जीएसटी लागू होने के बाद ज्वेलरी खरीदना आपके लिए महंगा हो सकता है। अब तक ज्वेलरी पर 2 से 2.5% का टैक्स लगता है। कल की अगर बैठक की बात करें तो उसमें बिस्किट और पैकेज फूड पर भी जीएसटी का रेट जो है वो तय किया गया। सभी तरह के बिस्किट पर 18%, वहीं ट्रेडमार्क वाले पैकेज फूड पर 5% टैक्स लगेगा। अभी फिलहाल बिस्किट पर 12 से 20% का टैक्स लगता है और इसके अलावा कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल पर 5% और रेडीमेड गार्मेंट्स पर 12% का रेट तय किया गया है। हालांकि 1000 रुपए से कम दाम के गार्मेंट्स पर 5% ही जीएसटी देना होगा। वहीं अगर फुटवेयर की बात की जाए तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 500 रुपए से कम दाम के जूते चप्पल पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि 500 रुपए से ज्यादा की कीमत के फुटवेयर पर 18% टैक्स देना होगा। कल की बैठक में बीड़ी पर भी जीएसटी रेट तय किया गया। बीड़ी पर 28% का टैक्स लगेगा, तो वहीं तेंदुपत्ते यानी बीड़ी पत्ते पर 18% का टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने एग्री मशीनों पर 5% की रेट तय की है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिन पर फिलहाल अभी फैसला नहीं हुआ है और इस पर फैसला जो है वो 11 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं अब आपको सस्ती मिलेंगी और क्या क्या चीजें जो है वो महंगी हो गई है। तो आपको दिखाते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी की हम सबसे पहले बात करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी करें तो देखा जाए तो वहां पर मौजूदा टैक्स जो है वो फिलहाल 2 से 2.5% है और अगर जीएसटी दर की बात की जाए तो वो 3% तय की गई है। यानी कि सोना खरीदना, ज्वेलरी खरीदना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। वहीं अगर हम कॉटन फैब्रिक की बात करें तो मौजूदा जो उस पर टैक्स लगता है वो 0% है, लेकिन जीएसटी की दर जो है वो 5% तय की गई है। यानी कि कॉटन फैब्रिक खरीदना भी आपको महंगा पड़ सकता है। यानी कि जीएसटी के बाद अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, कॉटन फैब्रिक खरीदना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें आपके लिए महंगी रहेंगी। रेडीमेड गारमेंट्स जो कि हर कोई खरीदता है, वहाँ पर मौजूदा टैक्स जो है वो 5 से 7% है, लेकिन जीएसटी दर की बात करें तो 12% हो जाएगी, यानी कि महंगा हो जाएगा। वहीं बीड़ी जिस पर मौजूदा टैक्स जो है वो 20% है और जीएसटी की दर जो तय की गई है वो 28%, यानी बीड़ी भी महंगी होगी। वहीं फुटवेयर्स की बात करें तो मौजूदा टैक्स जो है वो 12.5% से 15% है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 500 रुपए से ज्यादा के फुटवेयर्स की। अब इस पर जीएसटी 18 होगी, यानी कि ये भी महंगे होंगे। और वहीं 500 से सस्ते के जो फुटवेयर्स हैं उन पर मौजूदा टैक्स 12.5 से 15% है, लेकिन अब जीएसटी दर जो है वो 5% रहेगी, यानी कि ये आपके लिए सस्ता साबित होगा। तो आइए अब आपको ये भी सुनाते हैं कि सोने चांदी की ज्वेलरी पर रेट्स तय करने को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा है। A very contentious item, gold, currently it is under an excise duty of 1%, states have a 1% VAT, some states have a slightly higher VAT, so in the case of gold, keeping various factors in mind because there was an extensive debate. And between 2% and 5%, there was almost a vertical division. And therefore, we finally reached a consensus of taxing gold at 3%. Gold and gold jewelry. Gold and gold jewelry, therefore, will be 3%. Rough diamonds, to keep the audit trail, a nominal rate of 0.25% has been imposed. आज जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में इनपुट क्रेडिट को लेकर बड़ा फैसला हुआ। ऐसे व्यापारी जिनके प्रोडक्ट 18% से कम जीएसटी रेट में आते हैं और उनके पास वाउचर नहीं है, उन्हें 40% इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट 18% या फिर इससे ज्यादा के जीएसटी रेट में आएंगे और उनके पास वाउचर नहीं है, उन्हें 60% इनपुट क्रेडिट मिलेगा। 25,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रिज, कार पर 100% इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ये डीलर्स को भी मिलेगा। इनपुट क्रेडिट के लिए
कंपनियों को बुक में एंट्री और सीरियल नंबर देना होगा। हवाई टेक्सटाइल पर लंबी चर्चा के बाद जीएसटी रेट तय हुए। सभी तरह के यार्न यानी कि 5% जीएसटी लगेगा और वहीं रेडीमेड गारमेंट्स पर 12% की रेट जो है तय की गई है। एज फार एज फाइबर इज कंसर्न्ड, सिल्क एंड जूट आर एट द नील कैटेगरी विच इज द प्रेजेंट कैटेगरी जीरो। कॉटन एंड अदर natural fiber is 5%, man-made is 18%, all categories of yarn will be 5%. No, man-made also, the yarn will be at 18. Man-made will be however 18%. Yarn will be 5% subject to man-made being 18. Fabric, everything 5. Of all categories is 5%, and then comes the made-up apparel. It is taxed at 12%, but apparel costing below rupees 1000, which the common people use, will be taxed at 5%. और भाई अगर बिस्किट की बात करें तो बिस्किट पर 18% का जीएसटी लगाया गया है। So the low priced are currently taxed at 20.6%. This is the weighted average. And the other biscuits are priced at 23.11%. This is with octroi. So in view of the fitment formula, both have been fitted into the nearest tax slab of 18%. और इसके साथ वित्त मंत्री ने बताया कि पैकेज फूड आइटम पर 5% का जीएसटी लगेगा। पैकेज्ड आइटम्स ऑफ फूड वेयर फूड आइटम इज टैक्स्ड एट nil rate, it was decided that those packaged items which are sold under registered trademarks, because they are sold at a much higher price and bought by a different level of customers, would carry a GST rate of 5%.